बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमीद अफरीदी, चेयरमैन अलफजर इस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी, एक बार फिर मुखातिब हूँ अलफजर मीडिया के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अलफजर मीडिया जो है ना, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों को हम आगाह करते हैं, लोगों को हम मशवरे भी देते हैं, और ऐसी ऐसी जगह हम बताते हैं लोगों को कि वहाँ क्लाइंट्स के और इन्वेस्टमेंट के, वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ़ हो और उसको मुनाफा भी अच्छे से मिल जाए। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, बहुत से इन्वेस्टमेंट इस कश्मकश में होते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रेजिडेंशियल ठीक हैं या कमर्शियल ठीक हैं। पहली बात तो ये है, रेजिडेंशियल वो प्लाट होते हैं जहाँ लोग यानी घर बना सकते हैं, वहाँ लोग 5 मरले, 10 मरले, 3 मरले घर बना सकते हैं, यानी हाई राइज ना हो, कमर्शियल ना हो। ठीक है, हाई राइज भी एक अलग चीज़ है, हाई राइज में भी जो है ना लोग फ्लैट वगैरह में वो रह सकते हैं, लेकिन कमर्शियल और रेजिडेंशियल की हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी चीज़ बेस्ट है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, आज इसके हवाले से हम बात कर लेंगे। दोस्तों, रेजिडेंशियल प्लाट्स यानी मैंने आपको बता दिया कि वो होते हैं जहां आप वहां रिहाइश करते हैं, कमर्शियल जगह वो होते हैं जहां यानी हॉस्पिटल, शॉप्स, इस तरह मॉल बड़े बड़े। दोस्तों, एक मशवरा ये है कि जो लोग जिनका छत नहीं है, छत चूँकि बुनियादी हक है हर इंसान का कि सबसे पहले इंसान कोशिश करते हैं कि हमारा छत अपना हो, तो जो लोग घर के लिए रहने के लिए जो चीज़ लेते हैं तो ज़रूरी है कि वो रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें। यानी जाहिर बात है, उसको घर नहीं है, उसका छत नहीं है, तो पहले उसको छत का, उसका बुनियादी हक है कि वो छत के लिहाज से अपना छत पैदा कर दें, यानी वो सबसे पहले अपने छत का बंदोबस्त कर दें। दूसरी बात जो है, जो इन्वेस्टर हैं, जो ऐसे लोग हैं कि उसके पास पैसा हो, वो एसेट बनाना चाहती हैं कि फ्यूचर में हमारे एसेट हो, ऐसी चीज़ हो कि फ्यूचर में उससे रेंट आ जाए, मतलब सपोर्ट मिल जाए, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कमर्शियल जो है ना वो ज़बरदस्त है। क्योंकि कमर्शियल जो होते हैं वो स्टार्ट में महंगे होते हैं, लेकिन ये है कि रेंट के हवाले से, एसेट के हवाले से पेयर कमर्शियल बहुत बेस्ट हैं। क्योंकि रेजिडेंशियल का जो इन 5 मरला प्लाट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक जा सकता है, लेकिन कमर्शियल ऐसे ऐसे शॉप भी हैं कि एक एक शॉप 10-10 करोड़ पे जो है ना भी वो बिक चुके हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कमर्शियल, होटल्स, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह अलफजर रियल इस्टेट और फिर मीडिया के हवाले से अलफजर मीडिया 22 हम आप लोगों की खिदमत में ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं कि वहाँ, और कोशिश होता है हमारा कोशिश ये है कि हम अपने इन्वेस्टर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए जो हम पे एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लाएँ कि वहाँ उनको ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। तो इंशाल्लाह हर वक्त हम हाजिर हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो अबाउट रियल इस्टेट, अबाउट प्रोजेक्ट्स, इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।